अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21। क्रिस में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज एक धनी युवक प्रभु येसु के पास आते हैं और वह कहते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु उन्हें प्रत्युत्तर में प्रश्न पूछते हैं, मुझे भला क्यों कहते हो? क्योंकि ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं है। उसके बाद उनका प्रश्न का उत्तर देते हैं, सब आज्ञाओं का पालन करो, जो मूसा ने तुम्हें आज्ञा दी है उनका पालन करो। और ये युवक कहता है, मैं इनको बचपन से पालन करते आया हूं। और प्रभु कहते हैं, एक कमी तुझ में है, सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और मेरा अनुसरण करो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो मनुष्य शायद ही सांसारिक जीवन में धनी था, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन में धनी था, यानी वो घमंड से भरा हुआ था, एक प्रकार अहंकार उसमें था। और इसके कारण वो अधिकार से लालची था, स्वार्थ था, मोह माया से भरा हुआ था। जब प्रभु कहते हैं, सब कुछ बेच कर मेरा पीछा करो, वो युवक दुखी होता है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, ये सब वो छोड़ना उनको मुश्किल था। हमें भी ऐसा ही शायद, हम धन दौलत जो हमारे सांसारिक है उसको किसी को बांटने में उतना हिचकिचाते नहीं, लेकिन हमारी घमंड जो है, हमारा अहंकार जो है, हमारा स्वार्थ जो है, हमारा अधिकार जो है, दूसरों में बांटना या उसको त्यागना हमें बहुत मुश्किल होता है। इसे तो प्रभु कहते हैं, धनी के लिए स्वर्ग राज प्रवेश करना कठिन है। ये पैसे वाले इंसान नहीं है, धनी इंसान संसार में मेहनत करते बनता है, वो कोई उसमें गलती नहीं है, लेकिन वो इंसान जो धनी बनने के बाद सांसारिक जीवन में वो स्वार्थी जब बनता है, जो घमंड जो उसमें आती है, तब हम ईश्वर से कोसों दूर चले जाते हैं। आज हमें क्या पूछना है, क्या मैं सांसारिक जीवन में धनी हूं या प्रभु के दृष्टि में धनी हूं? संत पेत्रुस आज का पहले पाठ में अपने पहले पत्र से कहते हैं, आप लोगों ने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आप एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे, यह विश्वास। यदि इन वचनों को हमारे जीवन में जहन में ग्रहण करते हुए अपने जीवन को अपनाएंगे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद हम भी प्रभु के सामने धनी होंगे, ना कि गलत इस्तेमाल से धनी, लेकिन सही अर्थ में, सही रूप से धनी, प्रभु के आशीष से, उनके कृपा से हम परिपूर्ण होंगे। आइए, आज फरवरी महीने का आखिरी दिन है, प्रभु को धन्यवाद आज का दिन के लिए, जो भी 1 तारीख से लेकर आज तक प्रभु ने जो वरदान हमें दी है, जो स्वास्थ्य लाभ प्रभु ने हमें प्रदान किया है, उसको लिए धन्यवाद दे। और आज का दिन भी प्रभु को सौंपते हुए प्रभु से कृपा और आशीष मांगे। आमीन।